अस्सलाम वालेकुम जी, ये जी लईक भाई आज हमारी तरफ आए हुए हैं। ये आप सब जानते हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और हमारे पाकिस्तान के चैंपियन हैं। लईक भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नासिर भाई, आपके पास ये मेरा तीसरा विजिट है बेशक, और ये सेकंड टाइम है कि शिपमेंट में फौरन बाद आया हूँ बेशक। तो यार आपकी तो हैंडलिंग बड़ी प्यारी है, ईमानदारी की बात। बर्ड आप मुझे कोई बर्ड हल्का फुल्का ढीला इस मौसम में गर्मी, मुझे पता है कि वाय कतर रोड आते हैं गर्मी में, उसमें छोटे को संभालना नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और यार इस बार बर्ड आपके आपने इस बार मतलब लगता है कि बिल्कुल चुन चुन के बर्ड मंगाए हैं बेशक, यानी कि छोटे साइज का कबूतर भी है, बड़े साइज का कबूतर भी है, यानी कि पाकिस्तान पूरा आपने कवर किया है, आपने छोड़ा नहीं। जिस रीजन में जैसा बर्ड चाहिए वैसा बर्ड मिलेगा आपको। हार्डी ग्रो की लाइन का बर्ड मैंने देखा अभी, वो काफी बड़े साइज में है। हार्डी ग्रो की लाइन का बर्ड देखा, वो छोटे साइज में है, अंदर वाला। तो हार्डी ग्रो अगर चाहिए बड़े साइज में, वो भी अवेलेबल है, छोटे साइज में ये छोटे। और सबसे अच्छी बात है बस काफी बर्ड खेले हुए आए हैं बेशक, वन लॉफ के और मैराथन खेले हुए हैं। मैराथन खेले हुए बर्ड मखाते इतने पाकिस्तान में कोई मंगाता नहीं, मैंने तो कभी नहीं मंगाया, ऐसे भाई मंगाते हैं ज्यादातर। बट यार बर्ड बहुत आउटस्टैंडिंग है। अब दुआ करें नासिर भाई के दिन में थोड़ा रहम आ जाए, कुछ कबूतर में सौदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नासिर भाई रियायत कर दें तो इंशाल्लाह कुछ हम बर्ड इसमें निकाल लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और नासिर भाई के मेहमान भाई का शुक्रिया। मैं यकीन करें इसी बात कि बर्ड छटना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने दो तीन बर्ड का पूछा था, वो हमारे दोस्त ले गए थे। मैंने कहा मौका अच्छा भी है कि खुद देख लो, और ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। और उम्मीद है बर्ड काम करेंगे, काफ़ी बर्ड बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बर्ड काफ़ी पसंद आए, साइज वाइज जिसको छोटा साइज चाहिए, बड़ा साइज चाहिए, हर साइज में अवेलेबल है। ये देखें जी, बोतल में भी है, साशे में भी है। ये देखें हार्डी ग्रो है ना खास, हाँ जी बहुत अच्छा बर्ड है माशाल्लाह, 100% हार्डी ग्रो। ये हर किसी का फेवरेट है। और एक चीज़ अच्छी है कि इस बार नासिर भाई ने मैराथन के बर्ड काफी मंगवाए हैं, तो जो पाकिस्तान में रुझान हो गया ना वन लॉफ का, और वन लॉफ मुझे लग रहा है कि ये 400-500 तक जाएगी वन लॉफ, उसमें डेफिनेटली अगर आप वर्ल्ड का ट्रेंड देखें ना, तो वन लॉफ में भी कॉम्बिनेशन का और शॉर्ट का कॉम्बिनेशन होता है ज्यादातर, उस हवाले से भी काफी काम करेंगे इंशाल्लाह। ये लोग कॉम्बिनेशन बना के इसको यूज करना चाहें वन लॉफ के अंदर, क्योंकि वन लॉफ ना खाते तीन तो शुरू हो गई, 3-4 तो करा पाकिस्तान ऐसे ही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में 2-3 और शुरू हो जाएंगी। लॉफ मैनेजर के बारे में क्या कहेंगे हमारे यार इरफान भाई द ग्रेट, मतलब ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा भाई। फॉलो अप कबूतर मैंने नासिर भाई ने मेरे भिजवाए, और इनके इरफान भाई ने हमें तंग कर दिया, भाई बर्ड लेने गया नहीं, गया बर्ड लेने गया नहीं। मैं कहा बस तो आने दे फिर चलेंगे, इतना फोन कर रहे थे शक्कर से बर्ड उठाने। मैंने ये देख लें इरफान साहब मेहनत कर रहे हैं अभी भी, सुबह सुबह उठ के पीर का दिन है और सफाई कर रहे हैं लॉफ्ट की, ये डेली सफाई करते हैं। और इस साल जो रेसेस होंगी उसका सारा कुछ जो क्रेडिट होगा वो इरफान साहब को जाएगा, और एंड में इनाम क्या कहते हैं, एक अच्छा सा इनाम भी इरफान साहब को मिलेगा हमारी रेसेस के बाद। मेरी तरफ से इरफान भाई का नाम आएगा, हाँ इंशाल्लाह, कराची से भी आएगा। इरफान साहब जो हैं खैबर से कराची तक छाए हुए हैं, कोई शक नहीं है। तो ये जी हमारी शिपमेंट्स के जो बर्ड्स थे ये हैं पड़े हुए, इसमें कुछ सेल हुए हैं जिन्होंने जाना है, कोई कुछ ने पिशावर जाना है, कुछ ने कोयटा जाना है, और कुछ बर्ड्स वहाँ पे पड़े हुए हैं सेल वाले हमारे। ये जूम करके दिखाता हूँ आपको, और आप देख सकते हैं मौसम सनी डे है आज, नीला आसमान। लेकिन भाई आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपके मामा से भी शुक्रिया यार, रात को तला भाई आए, फराज भाई उनका भी शुक्रिया, वो टाइम निकाल के फैमिली से आए और ऐसे अच्छा टाइम, रात को हम 2:30 बजे तक बैठ के गपशप करते रहे फराज भाई ना, और शुगल था अच्छा खासा, और हमने वन लॉफ रेस के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया। इंशाल्लाह इस साल हमारी वन लॉफ रेस भी रेडी हो जाएगी इस्लामाबाद की, तो सब लोग तैयार रहें फरवरी से अप्रैल तक हमें यंग बर्ड देने के लिए। शुक्रिया।